वैसे तो हर देश की कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन हमारे देश भारत की सभ्यता और मसालों का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन और चीजें भी है जो भारत देश को संपन्न और प्यारा देश बनाती है, जिनमें से एक है आवाज। भारत देश के सुरों की बात ही अलग है। बॉलीवुड में बहुत शानदार सिंगर का नाम शामिल है, जिसमें से एक लता मंगेशकर जी भी हैं। इन्हें भारत की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे। लता की मां सुडामती एक साधारण गृहिणी थीं। लता ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और अपने परिवार के अन्य सदस्यों, विशेषकर अपनी बहनों आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर के साथ संगीत में रुचि विकसित की। लता की जिंदगी का प्रारंभिक दौर कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता के निधन के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। लता ने बहुत कम उम्र में गाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहले कई निर्माता और संगीतकार उनकी आवाज को पसंद नहीं करते थे। 1942 में जब लता केवल 13 वर्ष की थी, उन्होंने पहली बार बुलबुलो नामक फिल्म में एक छोटा गाना गाया, लेकिन यह गाना अधिक सफल नहीं हो सका। लता को 1949 में महल फिल्म के लिए गाया गाना आएगा आने वाला से सफलता मिली, जिसने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। लता मंगेशकर ने अपने करियर में अनगिनत हिट गाने दिए हैं। उनके कई गाने कालजयी बन गए हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों, गुलाबों से रंगीन, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तुम ही हो तुम ही हो, जिया ओ जिया। उन्होंने लगभग 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ और उन्हें स्वर की कोकिला के नाम से जाना गया। लता मंगेशकर ने अनेक पुरस्कार जीते, जिनमें प्रमुख हैं भारत रत्न 2001, पद्मश्री 1969, पद्म विभूषण 1999, नेशनल फिल्म अवार्ड 1970 और 1990। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार मिला। लता ने कभी शादी नहीं की। उनका जीवन संगीत के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक गहन बंधन बनाया और अपने परिवार के लिए हमेशा समय निकाला। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। उनके योगदान ने भारतीय संगीत को अमूल्य धरोहर दी है। उनका संगीत, उनके गाने और उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। लता मंगेशकर ने न केवल भारतीय फिल्म उद्योग को समृद्ध किया, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का भी वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। उनकी कहानियां और संगीत आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो ये थी आज के चैप्टर की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये एकमात्र ऐसा चैनल है को आपको स्टडी से रिलेटेड और वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार्स की बायो